माल खाएंगे ये लोग, चाचा और भतीजा और दोस्त देंगे जनता को और दूसरी पार्टी को। ये पलटू राम कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा, ये पलटू राम और उल्टू राम की जोड़ी, ये बिहार को जंगल राज बना करके छोड़ने का जो इनका मंसूबा है, ये बिहार जंगल राज नहीं बनने देंगे। ये पलटू राम को पलटा करके उल्टू राम को उठा के पटक देगी बिहार। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दो दिनों पहले जिस तरीके से सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच जो पुल बन रहा था गंगा नदी पर, वो ध्वस्त हो गया, जिसके बाद लगातार बिहार में राजनीति चल रही थी पुल को लेकर। और ऐसे में आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जमकर निशाना साधा, साफ कहा है कि माल खाएंगे वो तो पुल किसके नाम पे गिरेगा, जब माल चाचा और भतीजा खाए हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वहीं जब ये सवाल पूछा गया कि आगामी 23 जून को विपक्ष की बैठक बिहार में होनी है, उसको लेकर भी साफ कह दिया कि ये पलटू राम कभी भी पलट जाएंगे और बिहार की जनता इन पलटू राम को पलट देगी और उल्टू राम को उल्टा देगी। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूरा बयान सुने। भागलपुर में जो पुल गिरा है, नीतीश कुमार उसका जिम्मेवार, और माल खाएंगे ये लोग, चाचा और भतीजा और दोस्त देंगे जनता को और दूसरी पार्टी को, ये माल किसने खाया है। 23 जून को सर पार्टी का उनका मीटिंग हुआ है। अरे वो मीटिंग कर ले, सीटिंग कर ले, ये पलटू राम कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा, ये पलटू राम और उल्टू राम की जोड़ी, ये बिहार को जंगल राज बना करके छोड़ने का जो इनका मंसूबा है, ये बिहार जंगल राज नहीं बनने देंगे। ये पलटू राम को पलटा करके उल्टू राम को उठा के पटक देगी बिहार। तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं कि जो जांच सीबीआई कर रही है, क्या सीबीआई इंजीनियर हैं, वो क्या जाँच करेंगे। सीबीआई में सब कुछ है, आप दे दो ना ये पलटू राम जी, ये पुल आपने कैसे ध्वस्त करा है? है, एक साल पहले आपने पुल को ध्वस्त हो रहा था, उस समय जांच बैठा है। ये जो पदाधिकारी जितना ज्यादा, एक ही पदाधिकारी समूचा सब विभाग उन्हीं को दे दो, है जो जितना लाभ तुम्हारे लिए ला सकता है। कमीशन खोर का काम हो रहा है बिहार के अंदर, ये कमीशन खोरी ने पूरा पुल भ्रष्टाचार की वेदी पर चढ़ गया। तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने फिर से बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पहली बार ये नहीं है जब नीतीश कुमार को पलटू राम कहा गया है। एक बार फिर से अश्विनी चौबे ने उन्हें कह दिया कि ये पलटू राम है, ये कब पलट जाएं और बिहार की जनता इनको पलटू राम को पलट देगी और उल्टू राम को उल्टा देगी, यानी साफ नीतीश और लालू को लेकर अश्विनी चौबे ने तंज कसा। वहीं जिस तरीके से पुल गिरा है उसको लेकर भी कह दिया है कि जब माल ये खाएंगे तो आरोप किन पर लगेगा। लगातार देखिए बिहार की राजनीति जो है वो 23 जून पर टिक गई है, क्योंकि विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में होनी है, राजधानी पटना में होनी है, और ऐसे में कई बड़े चेहरे जो है विपक्ष के वो बिहार में दिखने वाले हैं। बीते दिन ललन सिंह ने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम उन नेताओं के नाम बता दिए हैं। अगर कुछ नाम का जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केसीआर स्टालिन जैसे कई गैर भाजपाई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में आने वाले। और ऐसे में 24 की चुनौती जो है वो एनडीए को दिखने वाली है। लेकिन साफ साफ अश्विनी चौबे का कहना है कि जब माल ये खाएंगे तो आरोप दूसरे पर कैसे लगा सकते हैं, ये लोग पलटू राम हैं, इनको बिहार की जनता पलट देगी। यानी कि साफ 24 में सरकार जो होगी वो एनडीए की होगी। अब देखना है जिस तरीके से पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध बीजेपी ने कर दिया नीतीश कुमार को, आने वाले समय में 23 जून को जब विपक्ष की बैठक होती है तो क्या कुछ देखने को मिलता। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।